नमस्कार दोस्तों, यूनिक एडवाइस मास्टर मैं साइन आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भी ऑन डबलो का, चाहे वो NXT मॉडल हो या फिर ओल्ड मॉडल हो, तो उसका स्टीयरिंग व्हील जो है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका स्टीयरिंग व्हील का मतलब क्यों भी ऑन डबल का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टीयरिंग व्हील के ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है। तो आपको इस लीवर को क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो खुल गया है। इसको आप अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप नीचे मतलब जो इसका हाइट शॉर्ट है वो नीचे कर सकते हैं, जिसका हाइट अच्छा है तो ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस लीवर जो इसको फिर से प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब स्टीयरिंग व्हील जो है एडजस्ट हो गया है मेरे हिसाब के अनुसार। तो दोस्तों मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब कार को ड्राइविंग कर रहे हो, मतलब आपका जो KOV कार है, तो तब आप अगर मतलब स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप गाड़ी रोक कर ही कीजिए, क्योंकि चलती गाड़ी में ये मत कीजिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, चलती गाड़ी में आप एडजस्टिंग अगर करने जाओगे तो हो सकता है कि आपका गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। तो कंपनी की ओर से भी इसको मना किया गया है ताकि आप ड्राइविंग करते वक्त एडजस्ट ना करें स्टीयरिंग व्हील को, चाहे वो KOV कार हो या फिर किसी दूसरे कार हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं फिर मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।